नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। 45 दिनों से चल रही इजराइल और हमास युद्ध के बीच आज इजराइल की कैबिनेट ने 4 दिन के युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते के अनुसार हमास 50 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बदले में इजराइल इसका ट्रिपल यानी 150 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का किया शुभारंभ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका की स्वीकार। उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में भेजा जासूसी सैटेलाइट, अमेरिका सहित पूरी दुनिया की बढ़ी टेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक दवाओं और टीकाकरण के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन पर जताई नाराजगी, कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी, कहा भविष्य में ऐसा करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि झूठा प्रचार नहीं करता। पनौती शब्द को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मच गया है, जहां राहुल गांधी ने राजस्थान के जालौर में कहा था कि अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। अब दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द का अर्थ बताया है। उन्होंने कहा कि यह नकारात्मक शब्द है, जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कहा जाता है। वहां स्टेडियम में हजारों लोग थे, लेकिन बीजेपी ने पीएम मोदी को पनौती से जोड़ दिया। भाजपा खुद मानती है कि मोदी पनौती हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर लें। वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और इसे शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। असम पुलिस की विशेष जांच टीम ने 2014 में असम लोक सेवा आयोग कैश फॉर जॉब घोटाले के सिलसिले में 2 सिविल सेवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों सिविल सेवकों से गुवाहाटी और असम पुलिस की विशेष शाखा में पूछताछ चल रही है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 10 लाख रुपए का वित्तीय जुर्माना, 3 नवम्बर को जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं के घरों पर जब छापे पड़ते हैं तो उन्हें दर्द होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी की 750 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है, ये कार्रवाई अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में फिर तेज हुई स्पेशल स्टेटस की चर्चा, नीतीश कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव, पूरे राज्य में चलेगा अभियान। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने नई और अब तक की सबसे बड़ी आवासीय योजना के लिए पंजीकरण अभियान शुरू कर दिया है। योजना के अधिकांश फ्लैट द्वारका, लोकनारायणपुरम व नरेला में है। पहला चरण 24 नवंबर से शुरू होगा, इसमें LIG व EWS के फ्लैटों के लिए पंजीकरण होगा। पंजाब के कई जिले में किसानों का धरना जारी है, जिस पर सीएम मान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा करके ये लोग आम लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर किए गए संघर्ष के दौरान मांगी गई मांगों को लागू न करने, कर्मचारियों के अर्जित अवकाश काट लेने एवं अन्य मांगों की समस्याओं के हल के लिए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर 26 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेगा। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द सफल हो सकता है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर है और उम्मीद की जा रही है कि आज रात या गुरुवार सुबह तक मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। झारखंड में अब सुअर के मांस पर मुस्लिम समाज ने किया हंगामा, रविदास समाज के लोगों ने चढ़ाई थी बलि, दोनों पक्ष आपस में भिड़े। छत्तीसगढ़ के रायपुर में IAS अधिकारी के घर में लगी भीषण आग, 3 गाड़ियां जलकर हुई राख। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान चुनाव प्रचार के लिए वहां के सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल भाजपा के प्रचार के लिए राजस्थान के दौरे पर हैं। वहीं उनके इस दौरे को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिवराज जी, अब मध्य प्रदेश में आपको कोई नहीं सुन रहा, तो आप राजस्थान जाकर अपने झूठ की मशीन का अभियान चला रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक साल तक सरकार चलाने के बाद सीएम सुक्खू हर रोज बीजेपी का नाम लेकर जनहित के मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ सकते। उन्होंने कहा कि सरकार को बने एक साल का वक्त हो गया है, लेकिन हर बात का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा जाता है। श्रीनगर में पुलिस ने दो आतंकवादी को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद हुआ बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक देसी बम विस्फोट होने के कारण 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना फरक्का थाना क्षेत्र के इमाम नगर में घटी है। मानहानि मामले में महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट हुआ जारी, 15 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। गुजरात के अरब सागर में पकड़े गए 13 पाकिस्तानी नाव पर सवार होकर भारतीय सीमा में पकड़ रहे थे मछली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा दावा, कहा नरेंद्र मोदी कल के बाद 5 साल तक नहीं आएंगे राजस्थान, राजस्थान में फिर चलेगा कांग्रेस का जादू। पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ सेहत के लिए काफी फायदेमंद है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में गुड़ खाना बेहद फायदेमंद होता है। यह कब्ज से भी राहत दिलाने में काफी मददगार है। IDBI बैंक ने 2100 पदों के लिए आवेदन शुरू की है। उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वे भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।